4.5 वर्षों में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व बाबा बैजनाथ के आशीर्वाद से सड़कों का निर्माण व रखरखाव के मामले में बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 पर रहा है। ये दावा बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान किया। विधायक ने कहा कि छोटा बंगाल को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए बड़ा गांव में रेस्ट हाउस बनाने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है तथा पीड बिल्डिंग राजगुंदा बड़ा ग्राम रोड सड़क निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर खुलने जा रहे हैं, जिसका सपना पंजाब के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह कैरों ने देखा था। उसका निर्माण कार्य 25 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक किशोरी लाल ने भाजपा नेताओं पर भी जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि वे महीने में एक बार जागते हैं और इस दिन उन्हें बैजनाथ के विकास की याद आती है और बिना देखे ही लोगों को गुमराह करने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी तक करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की जानकारी के लिए वे बता दें कि इन 4.5 वर्षों में विधानसभा में सड़कों का अभूतपूर्व विकास हुआ है और इतना विकास हुआ है कि शायद ही उन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि जमरेला लुहारडी सड़क का निर्माण कार्य जल्द होने जा रहा है और घर घर में पीने का पानी, जहां नल नहीं है वहां हैंडपंप द्वारा पीने का पानी मुहैया करवाया जा रहा है ताकि लोगों को घर द्वार पे पानी की सुविधा मिल सके। विधायक किशोरी लाल ने कहा कि सिंचाई के लिए कूलों का निर्माण व मरम्मत भी बैजनाथ क्षेत्र में करवाई गई और बिजली के लिए गत दिनों आए तूफान से बिजली बाधित हुई थी, जिसको दुरुस्त करने के लिए नई तारें डाल के उनको ठीक करवाया जा रहा है। जहां वोल्टेज की समस्या है वहां नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर PHC में डॉक्टर है तथा बैजनाथ अस्पताल में पूरे डॉक्टर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के रेजिडेंस के लिए अस्पताल के पास 4 सेट बनवाए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि बैजनाथ पपरोला बाजार की सड़क 1 करोड़ से चकाचक होगी और जल्द ही इस सड़क पर एज टू एज तारकोल बिछाई जाएगी। साथ ही बैजनाथ पपरोला की स्ट्रीट लाइटों का काम भी शुरू कर दिया जाएगा और नगर पंचायत के कूड़ा करकट का मामले उनके ध्यानार्थ है, जिसका जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र भी हर मामले में विकास के मामले में बाकी चुनाव क्षेत्रों से अग्रणी है। जैसे सड़क सुविधा बैजनाथ चुनाव क्षेत्र में पूरे इलाका में पूरी सड़कों का जीर्णोद्धार हो रहा है और उसी कड़ी में जो भीड़ से रोड सड़क है वह राजगुंदा 25 करोड़ की लागत से उसका निर्माण भी होने जा रहा है, जिसका टेंडर खुलने वाला है, टेंडर अपलोड हो गया है। इसी तरह से जो उतराड़ा कदराल सड़क है उसका टेंडर भी हो चुका है, कदराल से सुनू सड़क है उसका टेंडर भी हो चुका है और बैजनाथ धानंग उसका टेंडर भी हो चुका है। शेर जो सड़कें हैं वहाँ भी टायरिंग की जा रही है। एक सड़क हमारी पड़ियारकर से त्रेल है, उसका काम भी जोरों पे लगा हुआ है, टायरिंग त्रेल तक पहुँच चुकी है। एक सड़क कोकैना से लबोड़ त्रेल को जोड़ेगी, उसका काम भी जोरों पे है, उसकी टायरिंग भी शुरू होने जा रही है। पपरोला पुल खड पे पैदल पुल का काम शुरू हो गया है, जहाँ 2 साल पहले एक लड़का बह गया था। इसी तरह बाबा काठक उसका पुल का भी पैसा हमने PWD को 30 लाख जमा करवा दिया है, उसका काम भी शीघ्र शुरू होगा। इस क्षेत्र की सारी सड़कें गर्मियों में चकाचक होगी। इसी तरह से पानी की जो स्कीमें बैजनाथ धानसा चुनाव क्षेत्र में पानी की कमी नहीं है, हर गांव में पानी उपलब्ध है। जहां कमी है वहां पर हैंडपम्प स्टॉप किए जा रहे हैं, हैंडपम्प में मोटरें डाली जा रही हैं और इसी तरह से बिजली, जहाँ पिछले तूफान से बिजली को नुकसान हुआ था वहाँ बिजली की नई तारें डाली जा रही हैं। जहाँ वोल्टेज की समस्या है वहाँ ट्रांसफार्मर रखे जा रहे हैं और इसी तरह से हेल्थ सुविधा है, जहाँ हमारी PSC है, हर PSC में डॉक्टर उपलब्ध है, बैजनाथ हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर हैं। डॉक्टरों के लिए रेजिडेंस का निर्माण हॉस्पिटल के साथ ही बिल्डिंग में करवाया जा रहा है, वहाँ 4 सेट डॉक्टरों के लिए बनाए जाएंगे, उसका काम भी जोरों पर है। बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र हर मामले में विकास में तेजी से अग्रसर हुआ है और हमारा जो यहाँ डिग्री कॉलेज है उसमें 1 जेट और MA का इस साल से हम शुरू कर रहे हैं, ताकि बच्चों को MA करने के लिए बाहर न जाना पड़े। इसका शीघ्र काम जो है, क्योंकि वो
घोड़पिट में जो ठेकेदार ने काम लिया है उसी ने इस सड़क का वहाँ कंप्लीशन पे घोड़पिट तो लेबर यहाँ आ जाएगी, वो काम शुरू करने जा रहे हैं, कक्षाएँ शुरू कर दी जाएंगी और जो लोहारडी वाली सड़क है उसका काम भी हम से शुरू करने जा रहे हैं, वो पक्की होगी। छोटा बघाल जो है पर्यटन की दृष्टि से उसको हम विकसित करने जा रहे हैं, बड़े गाँव में रेस्ट हाउस भी हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए जगह का चयन करने की प्रक्रिया जारी है, जो ही जगह हमें मिलती है वहाँ पर जल्दी से रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। इसमें हुए सड़कों के हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 पे बाजनाथ है।